So, guys, I welcome you all to dramatic science. As you have seen in the thumbnail today, basically, we are going to learn about Newton's laws of motion. This one is the lecture number two, right? I think you have gone through lecture one. I will give the link of lecture one in the description below, okay? So, without any uh, wasting any moment, let's start today's session. At first, we will see what will be our today's main topics of discussion, right? So, we have basically

Uh, those pulley system that are horizontal with respect to the ground, right? Next, we have reaction in a moving lift. This one is going to be really interesting. Lift ka jo motion hai, that is really interesting. And some numericals related to all these topics, right? So let's start with our first topic, that is contact force and field force. Next, uh, let's go to the next slide. So as you can see. बेसिकली फोर्स जो है फोर्स का दो कैटेगरी होता है और या फिर दो टाइप्स होता है दो मेन टाइप्स आई कैन से नंबर वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एज यू कैन सी कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज़ फील्ड फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स काम करने के लिए नो बॉडी को कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है लाइक यू आर नो पुलिंग और गिविंग टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग एक जो रोप है एक जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में आप लोग टेंशन दे रहे हो तो दैट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स क्योंकि आपका हाथ और स्ट्रिंग का एक कनेक्शन है एक कॉन्टैक्ट है सो दैट्स अ पुल और टेंशन राइट पुश पूल्स फ्रिक्शन दिस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस मतलब डिरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन सैंड डिस्क्राइब किया था बेसिकली दो मास होगा एम वन एंड एम टू वो दोनों एक डिस्टेंस में हो, होगा लाइक द सन एंड द अर्थ दे आर एट अ सर्टन डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करता है दैट इज़ बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स राइट देन देयर इज मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ये हम लोग क्लास ट्वेल्व में करेंगे लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास इलेवन में ही होगा सो दिस आर द कैटेगरी ऑफ फील्ड फोर्स दैट मीन्स कोई डिरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है सिर्फ एक रीजियन में फोर्स काम करता है फाइन नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम आई होप यू हैव गन गॉन थ्रू की रेफरेंस फ्रेम क्या है दैट वॉज इन काइनेमेटिक्स लेक्चर वन तो बोला था कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है रेफरेंस फ्रेम इज सच अ सिस्टम और सपोज अ बॉडी जिसके हिसाब से हम लो, हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट का या फिर और बॉडी का मोशन कैलकुलेट करते हैं राइट रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा नो no, कन्फिगरेशन है जिसके हिसाब से वी मेज़र द मोशन

उस तरीका का फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन्स का लॉ था लेक्चर वन में वो वैलिड होगा फर्स्ट लॉ रिमेंबर दिस सेकेंड या थर्ड लॉ नहीं फर्स्ट लॉ डेफिनेटली वैलिड होगा दिस फ्रेम इज़ आइदर रेस्ट मतलब इस फ्रेम का कोई वेलोसिटी नहीं होगा या फिर मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ओके सो इनर्शियल फ्रेम्स आर अ टाइप ऑफ फ्रेम्स जिस जिसमें न्यूटन्स फास्ट लॉ प्रिसाइजली वैलिड होगा एंड जिस फ्रेम इज प्रेफरेबली एट रेस्ट रेस्ट में है और इट्स मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी राइट तो एग्जांपल क्या है अ ट्रेन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सपोज एक ट्रेन जो है दैट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी उसका वेलोसिटी सपोज थर्टी मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट है देन उस ट्रेन के हिसाब से जो मोशन कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इन द सिस्टम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ओके क्योंकि ट्रेन का मोशन और ट्रेन का वेलोसिटी कांस्टेंट है नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है इन दिस फ्रेम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिमेंबर दिस फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड और इनवैलिड दिस फ्रेम एक्सीलरिट्स आइदर इन लीनियर और रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर दो फ्रेम्स जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो तीनों लॉ है उसमें से फर्स्ट लॉ विल नॉट बी वैलिड राइट सो इस फ्रेम में हम लोग एक्सीलरेशन देख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता सो वी कैन से इनर्शियल फ्रेम एज नॉन एक्सीलटेड फ्रेम ये अपने कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन करके रखो इनर्शियल फ्रेम इक्वल्स टू नॉन एक्सीलटेड फ्रेम मतलब इनर्सियल फ्रेम एक नॉन एक्सीलरेटेड मतलब उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है लेकिन एट द केस ऑफ नॉन इनर्सियल फ्रेम इट्स अक्सीलरेटेड फ्रेम इसमें एक्सीलरेशन होता है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है लीनियर लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में या फिर रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस एक एक्सिस के हिसाब से जो रोटेशन होगा तो दैट फ्रेम दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सीलरेटेड फ्रेम राइट सो एग्जाम्पल क्या है अ कार टर्निंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब जो एक कार है कार का जो कॉन्स्टेंट स्पीड है स्पीड कॉन्स्टेंट है ध्यान से देखो स्पीड कॉन्स्टेंट है लेकिन अ कार इज टर्निंग टर्निंग मतलब द कार इज रोटेटिंग और सपोज नो एक क्रॉसिंग uh, आया कार को लेफ्ट जाके राइट right में निकालना है सो दैट मूवमेंट जब वो लेफ्ट जाके राइट right में निकलेगा सो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन वो तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा दैट विल चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ओके सो दैट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड ओके फ्री बॉडी डायग्राम और एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम और एफ बी डी का मतलब क्या है इधर हम लोग काफ़ी सारा जो न्यूटन्स लॉ है न्यूटन्स लॉ में काफ़ी सारा मास और बॉडी ड्राइंग करेंगे तो बॉडी के ऊपर काफ़ी सारा फोर्स काम करेगा बिकॉज न्यूटन्स लॉ प्रिसाइज़ली डील्स विथ फोर्स न्यूटन्स लॉ जो है वो तो बेसिकली फोर्स के ऊपर नो निर्भर है इसलिए जो बॉडी हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें काफ़ी सारा फोर्स आ सकता है और वो बॉडी किसी और बॉडी को काफ़ी सारा फोर्स दे सकता है सो विथ दैट कंसेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम और एफ बी डी का सर कहा गया फ्री बॉडी डायग्राम और एफ बी डी इज़ अ डायग्राम हुई शोज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम सेपरेटली इंडिकेटिंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मतलब फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है एक डायग्राम है कैसा डायग्राम ऐसा डाइग्राम जिसमें हम लोग एक बॉडी को कंसिडर करेंगे और बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा एक्टिंग ऑन इट देखो लिखा हुआ है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मतलब बॉडी के ऊपर जितना सारा फोर्स काम करेगा उसको हम एक अलग सा डायग्राम ड्रॉ करके उसको डिस्क्राइब करेंगे राइट एक बॉडी लेंगे जिसके ऊपर काफ़ी सारा फोर्स काम करेगा लेकिन वी विल चूज द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उस उस फोर्सेस को लेकर बॉडी का एक इमेज एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे

दैट्स वाई आई एम सेंग दिस एज अ वर्टिकल पुलिस सिस्टम ओके सो देखो जैसे देख सकते हो दो मासेस है एम वन एम टू दो मासेस ये जो एरो है इस एरो का मतलब दिस एम टू इज गोइंग अपवर्ड एंड दिस एम वन इज गोइंग डाउनवर्ड क्यों क्योंकि एम वन का तो वैल्यू ज़्यादा है डेफिनेटली एम वन ज़्यादा होगा तो एम वन नीचे जाएगा एम टू ऊपर जाएगा ओके okay? तो हम लोगों को इधर क्या करना है सिंपली दो चीज कैलकुलेट करना है राइट right साइड में लिख रहे हैं सिंपली टी टी इज सिंपली कॉल्ड द टेंशन वो जो रोप है रोप मतलब ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग ये जो रोप है रोप का टेंशन कैलकुलेट करना है और सिंपली ए ए मतलब एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम ये जो पूरा सिस्टम है एम वन एम टू का जो पूरा पोलिस सिस्टम है सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आया समझ में तो दो चीज सिंपल सा कैलकुलेट करना है नंबर वन इज द टेंशन कहाँ पे ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन है सेकेंड क्या कैलकुलेट करना है एक्सिलेशन किसका ऑफ़ द सिस्टम राइट अच्छा तो पहले एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया दिस वन तो देखो एम वन एम वन का तो नीचे वेट काम करेगा दैट इज एम जी आई थिंक यू नो द फॉर्मूला ऑफ वेट डब्लू इक्वल्स टू एम

जो टेंशन है टेंशन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो टेंशन है याद रखना टेंशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऐसी तरह याद रखना दिस वन इज द सेंटर सो इधर एट दिस केस द टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर राइट सो टी ऊपर की तरफ काम करेगा सो दैट्स इज गिवन इन दिस डायग्राम टी ऊपर की तरफ और एम तो नीचे जा रहा है दैट्स वाई उसका एक्सीलरेशन इज ए ओके सो दिस वन इज द फ्री बॉडी डायग्राम नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स इक्वेशन उसका जो फोर्स का जो इक्वेशन है उसको निकालना है एक सिंपल सा ट्रिक्स याद रखो जो मैं खुद याद रखता हूँ टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ थिंग्स जिस दिशा में एक्सीलरेशन होगा जिस दिशा में एक्सीलरेशन होगा उस फोर्स का प्रायोरिटी ज्यादा होगा मतलब ये जो एक्सीलरेशन है ए इसका डायरेक्शन किस तरफ है टू डाउनवर्ड नीचे की तरफ है नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है दिस फोर्स एम वन जी तो एम वन जी का प्रायोरिटी होगा राइट एम वन जी को ऑपोज कौन कर रहा है एम वन जी को ऑपोज कर रहा है सिंपली टी राइट एम वन जी को ये जो टी वाई साफ है टी तो ऑपोजिट में है दैट्स वाई वो एम वन जी को ऑपोज कर रहा है दैट्स वाई एम वन जी का प्रायोरिटी होगा तो डिफरेंस क्या होगा एम वन जी माइनस टी एम वन जी माइनस टी आया समझ में जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उस तरफ जो फोर्स है उसका प्रायोरिटी होगा और उसको जो ऑपोज करेगा वो ऑपोजिशन फोर्स सिंपली माइनस हो जाएगा ऑपोजिशन विल बी एलिमिनेटेड राइट सो इधर ए इज डाउनवर्ड दैट्स व्हाई वाई एम वन का प्रायोरिटी है एम वन जी को ऑपोज कौन कर रहा है सिंपली टी ऊपर में सो एम वन जी माइनस टी राइट अच्छा इक्वल्स टू इक्वल्स टू देखे राइट साइड में क्या लिखना है ये जो ए एक्सीलरेशन है इस एक्सीलरेशन के मदद से कितना फोर्स क्रिएट हुआ ये जो ए एक्सीलरेशन एम वन के पास है यूटिलाइजिंग दैट एक्सीलरेशन एम वन के पास और एम वन के एम वन के हिसाब से कितना फोर्स क्रिएट हुआ फोर्स जेनरेट हुआ दैट इज सिंपली एम वन इंटू ए तो इधर से हम लोगों ने टी को निकाल लिया फिर एम टू एम टू का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे देखो दिस वन इज़ द एम टू याद रखना एम टू इज़ गोइंग आप एम टू तो ऊपर जा रहा है दैट्स वाई उसका एक्सिलरेशन ए ऊपर की तरफ काम करेगा टेंशन तो टी ऊपर की तरफ है क्यों क्योंकि सेंटर तो इस तरफ है तो टेंशन तो सिंपली ऐसे काम करेगा और नीचे उसका वेट एम टू जी ठीक है तो इधर एक सवाल पूछ सकते हो कि सर इधर भी टेंशन टी है नो एक्सेलरेशन ये कैसे हो सकता है एम वन एम टू तो दो अलग मास है फिर भी दोनों का टेंशन और एक्सेलरेशन सेम क्यों है बेसिकली द कंसेप्ट इज कि सिस्टम तो सेम है ये जो हम लोगों ने अच्छा पूरा क्लियर करते हैं ये जो हम लोगों ने पूरा पूरी सिस्टम कंसीडर किया इसका तो मतलब ये तो एक ही सिस्टम है एक ही सिस्टम में जस्ट रोप लगा के एक साइड में एम वन और एक साइड में एम टू दैट्स वाई दैट्स वाई ये जो पूरा सिस्टम है पूरा सिस्टम का टेंशन दैट इज़ टी uh, सेम है और ये एक्सिलेशन सेम है ठीक है तो इस ड्राइंग में क्या करेंगे क्या होगा बेसिकली इक्वेशन ए किस किस दिशा में है बोलो फटाफट ऊपर में है तो ऊपर में कौन सा फोर्स है बेसिकली कैपिटल टी तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा कैपिटल टी को मिलेगा कैपिटल टी को अपोज कौन कर रहा है सिंपली एम टू जी आया समझ में सो टी माइनस एम टू जी देखो टी माइनस एम टू जी इक्वल्स टू ये जो ए है ए के हिसाब से कितना फोर्स क्रिएट होगा एम टू में एम टू इंटू ए एम टू इंटू ए तो उधर से भी टी निकाल लिए दैर इज इक्वेशन टू फिर ये जो एक नंबर इक्वेशन और दो नंबर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेसिकली टी को इक्वल किया इक्वल करके ए आ गया ए इज सिंपली द एक्सिलेशन ऑफ मास एम वन एंड मास एम टू करेक्ट फिर ये जो ए है ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं सपोज इधर डाल दिया इक्वेशन वन में तो एक कैलकुलेशन करो मैंने जस्ट एग्जाम किया है कैलकुलेट करके देखो टी इक्वल्स टू टू एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू इन जी आएगा राइट सो दिस वन इज़ द केस ऑफ वर्टिकल पोलिस सिस्टम एग्जाम में क्या हो सकता है एग्जाम में एम वन एम टू मास गिवेन हो सकता है सपोज एम वन इज टेन के जी एम टू इज़ फाइव के जी सो सिंपल फॉर्मूला याद रख के वो सम इजीली हो सकता है फाइन चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ सो हेयर इट इज़ बेसिकली दॉराइजेंटल पुलिस सिस्टम हॉराइजेंटल मतलब इधर एक पुलिस का मोशन विल भी बेसिकली इन अ हॉराइजेंटल डायरेक्शन राइट तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये जो एम वन है ये जो एम वन है एम वन तो हॉराइजेंटली कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ इस कनेक्शन के साथ पुली के साथ और ये जो एम टू है एम टू इज सिंपली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन आई कैन से तो पहले एम टू जो है ये जो एम टू है एम टू का हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया इधर देखो एम टू का जो वेट है एम टू जी डाउनवर्ड में काम करेगा फिर ये जो टी टेंशन ऊपर में सेंटर की तरफ और ये जो ए है एक्सिलरेशन वो सिंपली डाउनवर्ड क्योंकि एम टू ग्रेटर देन एम वन इधर कंसिडर किया ठीक है इधर एम टू ग्रेटर कंसीडर किया तो दैट्स वाई एम टू जो है वो नीचे जाएगा तो ए किस दिशा में है ए इज कहा गया कर सर ए इज सिंपली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डेफिनेटली एम टू जी का प्रायोरिटी होगा सो एम टू जी माइनस कैपिटल टी इक्वल्स टू एम टू ए जिसका प्रायोरिटी वो पहले माइनस अपोजिशन सेम रूल अच्छा नेक्स्ट एम वन एम वन का ये फ्री बॉडी डायग्राम है मतलब ये जो पार्ट है एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम एम वन का जो वेट है दैट विल बी एम वन जी वो तो सिम्पली पारपेंडिकुलरली ऐसे नीचे काम करेगा फिर टेंशन टी है और एम वन का मूवमेंट इस लाइन बराबर है इस दिशा में राइट इधर एक ट्विस्ट है कैसा ट्विस्ट ये जो टी है और ये जो एम वन जी है इन दोनों का एंगल क्या है बेसिकली नाइन्टी डिग्री टी और एम वन जी जो है इन दोनों का एंगल तो सिंपली नाइन्टी डिग्री हो गया राइट सो so, इसलिए ये एंगल नाइन्टी डिग्री हो गया इसलिए टी और एम वन जी एक साथ कनेक्टेड नहीं होगा मतलब सर मतलब टी के एक्सप्रेशन में कोई एम वन जी नहीं होगा फाइन इस कैलकुलेशन में टी एंड एम वन जी नाइन्टी डिग्री है दैट्स वाई टी के एक्सप्रेशन में कोई एम वन जी नहीं होगा इसको याद रखना ओके सो टी के टी का एक्सप्रेशन में और कौन हो सकता है सिंपली एम वन ए देखो वही डाल दिया टी इक्वल्स टू एम वन ए राइट तो so सिंपल है दोनों को सॉल्व करके ये आ गया T इक्वल्स टू एम वन एम टू जी बाई एम प्लस एम टू ध्यान से देखो एम m2 एम टू जी बाई एम प्लस एम टू पिछले बार क्या आया था टू एम m2 एम टू बाई एम वन प्लस एम टू इन टू जी दिस वन इज अ स्मॉल क्वेश्चन इन द ज्वाइंट ज्वाइंट में क्या आएगा कि वर्टिकल पुलिस सिस्टम और हॉडाइसेंट्रल पुलिस सिस्टम में किसका टेंशन ज्यादा है सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला किसका ज़्यादा है सिंपली ये वाला नो ग्रेटर दैन है सो वर्टिकल पुलिस सिस्टम में जो स्ट्रिंग होता है उसका टेंशन और वो जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग जो टेंशन फील करता है दैट इज़ रियली नो बिग उसका नो वैल्यू ज़्यादा है राइट right? अच्छा फिर टी का वैल्यू जो है इधर पूट करके वी कैन सिम्पली फाइन द एक्सेलरेशन दैट इज़ एम टू जी बाई एम वन प्लस एम टू एम टू जी ऊपर एम टू है राइट right? सो दैट्स द पुलिस सिस्टम एक सिंपल सा साम है बेसिकली ये एक फोर के जी का एक सपोज रॉड है या फिर रोप जो ना थिक रोप होता है वो कंसिडर किया नीचे फाइव के जी का मास है ऊपर सेवन के जी का मास है और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में हम लोगों ने फोर्स किस तरफ अप्लाई किया ऊपर की तरफ कितना अप्लाई किया दो सौ न्यूटन तो सिंपली क्या करना है एक्सीलरेशन ए निकालना है राइट सो क्वेश्चन क्या गिवन है टू वेट्स सेवन के जी एंड फाइव के जी आर अ रोप ऑफ फोर के जी जो बताया टू हंड्रेड न्यूट्रॉन इज द अपवर्ड फोर्स सिंपल क्या निकालना है पहले एक्सीलरेशन निकालना है दैट इज ए ऑफ द सिस्टम ऑब्वियसली फोर्स ऑन द अपर पॉइंट ऑफ द रोप अपर पॉइंट मतलब लेट इट बी क्लियर ये जो अपर पॉइंट है दिस पॉइंट ये पूरा रोप का ये जो अपर का जो पॉइंट है इस पॉइंट में फोर्स निकालना है दैट इज क्वेश्चन नंबर टू अपर पॉइंट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है फोर्स ऑन द मिडल पॉइंट ऑफ द रोप वा रियल इंटरेस्टिंग मिडल पॉइंट मतलब ये वाला जो मिडल पॉइंट है इस मिडल पॉइंट में फोर्स निकालना है पहले ये ऊपर में निकालना है फिर यह मिडिल पॉइंट में निकालना है राइट right? अच्छा तो पहला कैलकुलेशन कर लेते हैं अबाउट एक्सीलरेशन फोर्स किस दिशा में है ऊपर में है कितना है 200 न्यूटन अच्छा एक्सीलरेशन किस दिशा में है ऊपर की तरफ है सो so, किसको प्रायोरिटी मिलेगा 200 न्यूटन को प्रायोरिटी मिलेगा सो so, 200 200 मिला माइनस माइनस क्या होगा इधर जो 7 के जी फोर के जी मतलब 7 के जी फोर के जी फाइव के जी इन सभी का वेट तो नीचे काम करेगा वेट विल बी एक्ट डाउनवर्ड्स एम जी राइट तो सेवन प्लस फोर प्लस फाइव इंटू जी सेवन प्लस फोर प्लस फाइव इंटू जी इक्वल्स टू ये जो ए एक्सीलरेशन है इस ए एक्सीलरेशन की मदद से जो नो फोर्स क्रिएट हुआ दैट इज सेवन प्लस फोर प्लस फाइव इंटू ए तो इधर से सिंपली वैल्यू पुट करके ए आ गया टू पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग प्लीज़ खुद कैलकुलेट करो मेरा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती हो भी सकता है राइट right? तो आप लोग एक बार चेक करके देख लो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हाँ अपार पॉइंट अपार पॉइंट मतलब ये जो ऊपर का पॉइंट है इस ऊपर का पॉइंट में फोर्स कैलकुलेट करना है राइट right? तो हम लोगों ने ये जो ऊपर का पॉइंट है इस पॉइंट में कितना टेंशन कैपिटल टी और कितना फोर्स काम करेगा कैपिटल टी कंसीडर किया तो एक्सीलरेशन तो सिमिलरली ऊपर की तरफ है तो टी माइनस क्या होगा एम जी एम जी मतलब ध्यान से देखो इधर इफ़ वी गिव और इफ़ वी ट्राई टू फाइंड फोर्स एट दिस पॉइंट अगर इस पॉइंट में फोर्स हम लोग निकालना चाहेंगे तो सेवन के जी सेवेन के जी जो ये ऊपर में है वो तो रीजियन के बाहर है सो बेसिकली फोर के जी और फाइव के जी का जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट विल एक्ट दैट्स वाई इधर क्या लिखा है फाइव प्लस फोर इंटू जी सेवन के जी नहीं है क्योंकि सेवन के जी तो ऊपर में है तो उसका तो फोर्स काम नहीं करेगा वेट काम नहीं करेगा आइकन से बेसिकली चार के जी और पाँच के जी जो है फोर के जी एंड फाइव के जी जो है इन दोनों का फोर्स ऐसे नीचे काम करेगा ओके okay? तो इन दोनों का एक्सीलरेशन के लिए नो no, फोर्स uh, क्या होगा फाइव प्लस फोर इंटू ए हम लोगों ने टी निकाल लिया सो दिस टी इस टी मतलब दिस टी इस फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है सिंपली उस ऊपर में लाइक एट दिस पॉइंट राइट अच्छा फिर क्या करना है मिडिल पॉइंट में करना है सिंपली ऐसे ये तो आप लोग खुद ही बोल सकते हो मिडिल पॉइंट मतलब ये जो चार के जी मास है दो के जी हो जाएगा और नीचे पाँच के जी मतलब ये जो पूरा है ये पूरा का मास लगेगा टू के जी प्लस फाइव के जी ऊपर की तरफ है तो टेंशन क्या होगा टी डैश हम लोगों ने टी डैस कंसिडर किया फाइव प्लस टू जी इक्वल्स टू फाइव प्लस टू ए तो इधर से सिंपली ए का वैल्यू पुट करके ए मतलब दिस वन ना टू पॉइंट सेवन वैलू पुट करके हम लोगों के पास टी आ गया टी इज सिंपली द फोर्स इन बिट्वीन जो मिडल का जो पार्ट है इस इस मिडल का जो पार्ट है इस पार्ट में जो टेंशन और फोर्स काम करेगा दैट इज़ एटी सेवन पॉइंट फाइव न्यूट्रन फाइन चलो नेक्स्ट लाइट सो नाउ वी हैव अ रियली इंटरेस्टिंग वन रिएक्शन इन अ लिफ्ट इसके बाद जब भी लिफ्ट में जाओगे तो इसको याद बेसिकली करना इसको याद रखना केस वन केस वन में क्या है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ए लिफ्ट क्या है ऐसे ऊपर सो दिस वन इज अ लिफ्ट हाँ ये जो है अंदर में दिस इज अ बॉडी और सिंपली वी कैन कंसिडर दैट एज मैन एक नो पैसेंजर भी ले सकते हैं सो लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सीलेशन ए फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है इधर ये जो आर है आर इज सिंपली द रिएक्शन फोर्स ऑफ द लिफ्ट अगर एक चीज़ सोच के देखो अगर आप लिफ्ट में हो मतलब लिफ्ट में जाओगे तो आपका जो लेग्स है लेग्स में से वेट काम करेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द लिफ्ट लिप्टुअर्ड्स डाउनवर्ड लिफ्ट का जो सर्फेस है उस सर्फेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिंपली आपका वेट काम करेगा म जी लेकिन जो लिफ्ट है लिफ्ट भी तो रिएक्शन देगा किस तरफ देगा ऊपर की तरफ देट्स वाई है रिएक्शन फोर्स एज आर राइट अच्छा तो एक्सीलेशन किस दिशा में है ऊपर की तरफ तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा आर को प्रायोरिटी मिलेगा आर को ऑपोज कौन कर रहा है सिंपली एम जी तो मेन कैलकुलेशन क्या होगा आर माइनस एम जी सिंपल आर माइनस एम जी राइट इक्वल्स टू ये जो ए एक्सिलेशन है उसके हिसाब से फोर्स तो एम को उस तरह आप लेके गए आर इक्वल्स टू एम इन टू ए प्लस जी एक चीज़ सोच के देखो जब लिफ्ट में मतलब नहीं जाओगे इफ़ यू आर ऑन द ग्राउंड सिंपल ग्राउंड में हो तो आपका वेट क्या होगा एम आपका वेट सिंपली एम होगा लेकिन इफ यू आर ऑन अ लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड देन आपका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो तो एम से ज़्यादा होगा मतलब लिफ्ट जो आपको रिएक्शन देगा वो तो ज़्यादा हो जाएगा दैट मीन्स यू विल फील हैवियर आपको लगेगा कि वो जो वेट है यू विल फील हैवियर राइट क्योंकि रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया सिमिलरली केस टू में क्या होगा लिफ्ट डाउनवर्ड में जाएगा लिफ्ट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ विथ एक्सीलरेशन ओके सो दिस वन इज़ द डायग्राम ए नीचे है तो इधर ए का डायरेक्शन किस तरफ है नीचे की तरफ सो डेफिनेटली एम जी बड़ा होगा उसको अपोज कौन कर रहा है सिंपली कैपिटल आर सो इक्वेशन क्या होगा फटाफट एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम ए दिस वन तो इधर से आर आ गया दैट इज़ एम इन टू जी माइनस ए आर इज़ लेस देन एम जी एम जी तो कम हो गया माइनस ए के सो द ट्रैवलर और द ऑब्जेक्ट विल फील लाइटर सिंपल इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इसके बाद जब भी लिफ्ट में जाओगे इसको याद रखना देखना जब लिफ्ट में नीचे जाओगे यू विल फील लाइटर आपको लगेगा कि आपका वेट कम हो गया वाई बिकॉज आर मतलब लिफ्ट का जो रिएक्शन है लिफ्ट का रिएक्शन वैल्यू ही कम हो जाता है राइट right? लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाएगा यू विल फील मतलब आप लोगों को लगेगा कि आपका वेट बढ़ चुका है सो दैट इज़ बिकॉज रिएक्शन फोर्स इंक्रीजेस और सिंपली जो लोग जो आप लोग स्टेयर्स लो के यूज़ करते हो मतलब स्कूल में जाने के लिए या घर में सो स्टेयर केस में क्या मतलब क्या होता है जब आप लोग ऊपर जाते हो तो यू फील टायर्ड आपको क्लमजीनेस आ जाता है लेकिन स्टेयर केस की मदद से जब आप लोग नीचे जाते हो देन यू फील नो मोर इजी टू कम मोर इजी टू नो रीच द ग्राउंड क्यों क्योंकि रिएक्शन फोर्स एट द केस ऑफ स्टेयर केस कम हो जाता है वेन वी गो टू द आर्थ दैट इज डाउनवर्ड राइट ओके चुनाओ केस थ्री केस थ्री से ही असली इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होता है लिफ्ट इज एट रेस्ट मतलब लिफ्ट का कोई मोशन नहीं है तो मोशन नहीं है मतलब वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटी नहीं है मतलब वेलोसिटी का चेंज नहीं है वेलोसिटी का चेंज नहीं, नहीं है इसका मतलब एक्सीलरेशन नहीं है सिंपली ये इक्वल्स टू जीरो ओके अच्छा और या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा इसलिए एक्सप्लेसन क्या है जीरो है तो इधर ए जो टर्म था वो काम नहीं करेगा एज आई हैव रिटन लाइक ए इक्वल्स टू जीरो तो इधर आर का वैल्यू क्या होता है आर इक्वल्स टू एम जी मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वही सिंपली ऑब्जेक्ट का और जो पैसेंजर का वेट है ओके okay? नाउ द फोर्थ पॉइंट लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रीली लिफ्ट नीचे जा रहा है लेकिन फ्रीली फ्रीली मतलब लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखो फ्रीली मतलब मूविंग फ्रीली मतलब उसका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ अर्थ का जो एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन से अगर किसी पार्टिकल या फिर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन मैच हो जाए बॉडी इज फॉलिंग फ्री ली राइट तो इधर जो लिफ्ट है लिफ्ट का एक्सिलरेशन विल बी इक्वल टू द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो सिंपली नीचे जाने के लिए हम लोगों को यह फॉर्मूला मिला था आर एम जी माइनस ए कहाँ पे मिला था दिस वन केस टू राइट सो कंडीशन क्या है फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी एक्सिलरेशन इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ए इक्वल्स टू जी वैल्यू डाल दिया आर इक्वल्स टू जीरो माई गुडनेस रिएक्शन फोर्स ऑफ द लिफ्ट इज जीरो लिफ्ट का जो रिएक्शन फोर्स है वो जीरो हो गया इसका मतलब क्या है यू विल फील दैट यू आर दैट यू हैव नो वेट आपको लगेगा कि यू आर जस्ट अ फेदर यू आर फ्लाइंग यू विल फील सो लाइटी सो रिएक्शन फोर्स ऑफ द लिफ्ट इज ज़ीरो सो द पैसेंजर ऑन द लिफ्ट और इन द लिफ्ट और द ऑब्जेक्ट विल फील वेटलेस राइट जब रिएक्शन फोर्स जीरो होगा तो आपको आपका वेट फील नहीं होगा दैट इज सिंपली कॉल्ड वेटलेस नेक्स्ट केस फाइव सो वेयर इट इज लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस वाज इज एन एक्सट्रीम केस राइट सो ए ग्रेटर देन जी मतलब लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है दैट इज ग्रेटर दैन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब क्या होगा पिक्चर देख के ही समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर चला गया तो स्टडी करते हैं रिएक्शन फोर्स क्या था दिस वन मतलब ये इस, आ, इसका कंडीशन क्या था लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सिलरेशन ए सिंपल ए के हिसाब से जा रहा है लेकिन इधर कंडीशन क्या है ए इज ग्रेटर देन जी ए का एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्चुअल में क्या होता है जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिफ्ट का जो रूफ है रूफ में टच कर जाता है तो अगर रूफ में टच करेगा तो डेफिनेटली रिएक्शन फोर्स नीचे काम करेगा और वेट भी तो नीचे ही काम करता है टुवर्ड्स द आर्थ एम जी तो देखो आर एम जी सेम डायरेक्शन में है दैट्स वाई आर डैश प्लस एम जी ये आर डैश होगा आर नहीं आर डैश सो आर डैश प्लस एम जी इक्वल्स टू एम एम ए मतलब क्यों क्यों क्योंकि बोला कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ए टर्म उसके हिसाब से जो फोर्स क्रिएट हुआ उसको रखना राइट right? सो so, इधर से आर डैस क्या आया सिंपली एम इन टू ए माइनस जी इन दोनों को डिफ, दोनों का डिफरेंस समझो जी माइनस ए ए माइनस जी दिस रिएक्शन दैट इज आर डैस एक्ट्स ऑपोजिट टू द आर सो द लिफ्ट सो द हेड ऑफ द पैसेंजर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल टच द लिफ्ट मतलब ये जो पैसेंजर है और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का जो सर हेड विल टच द फ्लो रूफ ऑफ द लिफ्ट फ्लो नहीं रूफ ऑफ द लिफ्ट दिस कंडीशन इज कॉल्ड सुपर वेटलेसनेस दिस कंडीशन इज कॉल्ड सुपर वेटलेसनेस मतलब इस कंडीशन में क्या होता है जो पैसेंजर या फिर बॉडी है उनका सर सिंपली कहाँ चला जाता है लिफ्ट का जो रूफ है ओके सो वी हैव अ सिंपल सम अ मासलेस रोप एक जो रोप हम लोगों ने कंसिडर किया जिसका कोई मास नहीं है उसमें एम के जी रोट एम के जी वेट बेसिकली होल्ड कर सकता है सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास हुई कैन बी रेस्ड एट अ हाइट ऑफ एच एट टाइम टी इज समथिंग लाइक दिस मतलब एक रोप हम लोगों ने कंसिडर किया जो सिंपली कैपिटल एफ एफ कैपिटल एम सॉरी मास होल्ड कर सकता है राइट दिस वन होल्ड कर सकता है एंड वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू जो ये रोप है ये ग्राफ डायग्राम है हाँ इसको मतलब सिंपल से समझो सो दिस वन इज़ अ रोप ये जो रोप है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और कितना मैक्सिमम वेट ये ये जो सिस्टम है कैरी कर सकता है हम लोग को वो निकालना है सो so, ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है दैट इज़ ए एच इक्ल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वर्टिकल मोशन का फॉर्मूला लेकिन इधर यू तो जीरो है दैट्स सॉरी हाफ एटी स्क्वायर तो इधर से हम लोगों को एक्सीलरेशन आ गया का किसका सिस्टम का से मास एम कैन बी हैंगड तो हम लोगों ने कंसिडर किया जो एम मास है उसको हम लोग हैंग करेंगे तो एक चीज़ सोच के देखो ये जो एम जी है दिस वन इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू एम जी प्लस ए मतलब एम जी नीचे की तरफ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की तरफ तो जी का तो वैल्यू जी है लेकिन ए का तो वैल्यू टू एच वाई आर स्क्वायर है सॉरी टी स्क्र टू एच बाई टी स्क्वायर तो सिंपली इधर से हम लोगों को स्मॉल एम निकालना है दैट इज़ एम बाई वन प्लस टू एच बाईट इज सिंपल सेसाम है सिंपल सेसाम है नेक्स्ट न्यूमेरिकल थ्री दिस वन इज़ अ पोलिस सिस्टम ये जो एम वन है ये छोटा है एम टू जो है बड़ा है क्या करना है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ एम टू मतलब एम टू ऐसे नीचे आएगा इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है दैट इज़ ए राइट अच्छा ये सम करने से पहले इस पिक्चर को ध्यान से समझो ये जो एम टू है एम टू तो इंडिपेंडेंट है उसको हम किसी तरह मूव कर सकते हैं लेकिन ये जो एम वन है सॉरी ये जो एम वन है ये बेसिकली दो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है दो स्ट्रिंग के साथ इसलिए एम टू का जो एक्सेलरेशन होता है वो एम वन में आके हाफ हो जाता है क्या बोला एम टू का सपोज एक्सेलरेशन है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन एम वन के पास उस एक्सिलरेशन का कितना परसेंटेज आएगा सिंपली हाफ राइट सो एम टू का हम लोगों ने फ्री बॉडी ड्रॉ किया तो टी नो आ, क्या बोलेंगे ठीक हो टेंशन एम टू जी वेट ए इज द डाउन ऑर्ड एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सो एम टू जी विल भी डोमिनेटिंग सो एम टू जी माइनस कैपिटल टी इक्वल्स टू एम टू है दैट इज इक्वेशन वन जो एम वन है एम वन का देखो ये डाइग्राम होगा मैंने अभी बोला कि एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ काम करेगा सो बेसिकली टू टी बड़ा होगा दो दो वायर में तो टी काम कर रहा है दैट्स वाई वी विल हैव टू टी दिस टी एंड दिस टी दोनों एक्ट होगा सो टू टी माइनस एम वन जी इक्वल्स टू एम वन इन ए बाई टू दिस वन फाइन सो वन और टू को फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे टी को बेसिकली टी को एलिमिनेट करेंगे सो वील गेट ए इक्वल्स टू लाइक दिस अब ये राफ कॉपी में कैलकुलेट करो फिर देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं ओके नेक्स्ट यू हैव अ होमवर्क गाइस अ मैन सेवेंटी के जी एक जो मैन है उसका मास सेवेंटी के जी है इज सिटिंग ऑन अ मोटर व्हीकल द व्हीकल इज मूविंग विथ फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक जो मैन है उसका मास सेवेंटी है व्हीकल जो है व्हीकल का एक्सिलरेशन फाइव है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मैन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या निकालना है आई विल सजेस्ट जो नो न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली नो एम जी एम जी एम जी को कैलकुलेट करना है वेट वेट आई कैन से वेट लेकिन याद रखना वो जो मैन है मैंने एक व्हीकल में है तो अगर मूविंग होगा तो मूविंग में तो एम नहीं होगा अभी तो हम लोगों ने लिफ्ट में देखा कि अगर रेस्ट में होगा देन आर इक्वल्स टू एम लेकिन जितना सारा मूविंग केसेस है तो केस वन बोलो केस टू बोलो या फिर केस फोर केस फाइव कुछ भी सो गाइस दैट्स सॉल्व फ्रॉम यू हैव नो एंजॉयड द फुल सेशन राइट एंड इफ़ यू फील एनी डाउट डू कॉन्टैक्ट मी थ्रू कॉमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम इसका एक लेक्चर थ्री भी होगा तो बस आज चलते हैं लेक्चर थ्री में जल्दी मिलेंगे बस तब तक के लिए नमस्कार टाटा बाय है रेली गुड टाइम